गूगल पेज स्पीड पे 100 में से 100 स्कोर कर जाना किसी ब्लॉग का अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरा ब्लॉग 100 में से 100 परफॉर्मेंस स्कोर अचीव करता है। और ये चीज़ मैं कैसे करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट किया हूँ अपने ब्लॉग पे जो 100 में 100 स्कोर आ गया, लोग को 80 आ जाता है तो कहता है यार बहुत बड़ा चीज़ है। और मैं जो है ये चीज़ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर लिया, और अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपको भी बेनिफिट पहुंचेगा। सबसे पहले 100 में 100 अगर स्कोर आ भी गया गूगल पेज स्पीड से तो बेनिफिट क्या मिलता है, पहले बेनिफिट तो समझ लेना, तभी तो इसके मतलब कि लिए जो है कोशिश करेंगे कि आखिर जो क्या क्या करे जो स्कोर परफॉर्मेंस स्कोर 100 में 100 हो जाए, गूगल पेज स्पीड पे आ जाए। ऐसा माना जाता है कि रियल लाइफ में वेबसाइट स्पीड रहते हुए भी गूगल पेज स्पीड पे जा करके स्कोर ड्रॉप हो जाता है लोगों का, और डेस्कटॉप वर्जन में तो ड्रॉप नहीं होता है लेकिन मोबाइल वर्जन में तो और ड्रॉप हो जाता है। जबकि मेरे ब्लॉग पे अगर आपको इस वीडियो के बाद खुद का खुद टेस्ट कर लीजिएगा मेरे ब्लॉग जो techaz.com है उसको, तो गूगल के पेज स्पीड पे मोबाइल हो उसमें भी मिलेगा आपको अच्छा स्कोर, ग्रीन ही शो करेगा हमेशा, और डेस्कटॉप हो तो उसमें भी शो करेगा। कैसे होता है, कुछ पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, और ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो नहीं के खर्चा के बराबर, या कह सकते कोई खर्चा नहीं है, और फिर भी आपका ब्लॉग जो है अच्छा स्कोर करेगा। तो सबसे पहला होता है मेरे समझ से थीम सिलेक्शन। कहेंगे थीम सिलेक्शन, देखिए जब थीम का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब कि बाहरी लेआउट डिजाइन जो फ्रंट इंज पे जो विजिटर होंगे वो देखेंगे तो कैसा लुकिंग होगा, इसी का जो है पर्पस होता है थीम लगाने का। और जो नए ब्लॉगर होते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है बहुत सारे ताम झाम वाला जो है थीम लगा लेते हैं, दिखने में गुड लुकिंग होता है ऐसा ही सोचते हैं ना, और कुछ लोग प्रीमियम जो है थीम है उसको भी परचेज करते हैं। तो मैं दो चीज़ इम्प्लीमेंट किया शुरुआती दौर में, मैं बता रहा हूँ, फ्री थीम भी इस्तेमाल किया, पेड थीम भी इस्तेमाल किया। ठीक, अब यहाँ पे पेड और फ्री थीम की बात नहीं कर रहा हूँ, थीम होना कैसा चाहिए इस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है और आपको भी बेनिफिट पहुँचेगा। तो ये जो ताम झाम वाला अलग डिजाइनिंग इधर डिजाइनिंग ये सब करने में CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। और अगर आपका ब्लॉग का थीम, आपके ब्लॉग का थीम जो है अगर मिनिमम हो, मिनिमल जिसको कहा जाता है वो हो, तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो फिर सबसे पहले ये तो समझ लेना कि थीम हो या जितने भी एट्सेट्रा पॉइंट है वो सब आगे जो बात करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए अगर पेज स्पीड का रैंक अगर अच्छा होगा तो गूगल आजकल जो है कोर वेब वाइटल स्कोर जो है एक रैंकिंग फैक्टर रख दिया है, और कोर वेब वाइटल स्कोर को पार करने के लिए आपके ब्लॉग का पेज एक्सपीरियंस, इसका ब्लॉग का पेज स्पीड, ये सब बहुत मायने रखता है। इसी कारण से हमेशा मैं कोशिश में लगा रहता हूँ मेरे ब्लॉग का और जो भी मेरे से जो है सीखते हैं समझते हैं उनके ब्लॉग का पेज स्पीड अच्छा बना रहे। तो उसमें थीम तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रंट पे जो है जो भी ब्लॉग पोस्ट कोई यूजर आया आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेगा तो वो थीम लोड होता है, थीम लोड होने के लिए उसके पीछे का कोड लोड होता है, जितना बल्की होगा ज़्यादा तामझाम वाला थीम होगा उतना ज़्यादा कोड को लोड होना पड़ेगा, और हर रिक्वेस्ट पे अगर लोड होना शुरू हो गया तब दिक्कत हो जाएगी हर एक यूजर के लिए, इसीलिए स्लो हो जाता है। तो थीम रखे सिंपल से सिंपल। अब कहेंगे आप क्यों रखे सिंपल से सिंपल, एक्चुअली हमारा आपका सारे ब्लॉगर का एक ही पर्पस होता है कि गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो आएगा वो डायरेक्ट ब्लॉग पोस्ट पे आएगा, वो कंटेंट पढ़ने के लिए आएगा, कंटेंट से जो बेनिफिट मिलने वाला है उसके लिए आएगा। तो ज़्यादा तामझाम के चक्कर में मेन चीज़ अगर छूट गया तो ट्रैफिक ही नहीं आएगा। तो हो सके चाहे फ्री थीम इस्तेमाल करिए, मिनिमल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस और बेहतर चाहिए तब जाकर के पेड थीम की तरफ जाइएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट नंबर वन हो गया। अब चलते हैं दूसरा, वो है दोस्तों प्लगइन्स। प्लगइन्स का इस्तेमाल फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, खासकर वर्डप्रेस ब्लॉग पे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं छोटा छोटा काम के लिए ढेरों प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, और हर प्लगइन्स को जब इंस्टॉल करते हैं तो वो जितनी बार वेब पेज लोड होगा उतना बार अगर वो फंक्शन उस वेब पेज पे काम कर रहा है तो उस प्लगइन्स के पूरे फंक्शनैलिटी और कोड को रीलोड होना पड़ेगा, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट काम करेगा, PHP कोड, सर्वर से रेंडरिंग, और इसके बाद CSS, HTML जो भी है सारे के सारे को काम करना ही पड़ेगा। खासकर प्लगइन्स है तो सर्वर साइड तो काम करेगा ही करेगा। तो इसीलिए
ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स ना रखें, जितना ज़रूरत है उतना प्लगइन्स, और अगर ऑलरेडी बहुत सारे प्लगइन्स है जो काम का नहीं है उसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दीजिए ताकि झंझट ही खत्म रहे। तीसरे नंबर पे आता है वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग चाहे आपका शेयर्ड होस्टिंग हो, चाहे क्लाउड होस्टिंग हो, चाहे डेडिकेटेड होस्टिंग की बात कर रहा हूँ वो हो, चाहे VPS हो, वो सबसे मतलब नहीं है। जब भी आप होस्टिंग चुनें तो अपने यूजर विजिटर के अनुसार चुनें, ऐसा ना हो कि ब्लॉग नया है, ब्लॉग पे अभी यूजर आया नहीं है और आप जो है वेब होस्टिंग ले लीजिएगा कि महीने का 5,000 देना शुरू कर दीजिए, तो ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर बहुत न्यू ब्लॉगर हैं, मतलब कि बहुत न्यू का मतलब कभी ब्लॉगिंग के फील्ड में आप नहीं हैं, तो शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करिए, थीम को अच्छा रखिए, प्लगइन्स जो है ज़्यादा नहीं रखिए, और आगे 2-3 पॉइंट बताऊँ वो सब इम्प्लीमेंट करिए, आपका काम चल जाएगा। जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा आपके ब्लॉग पे, तो ये मत सोचिए कि बस इतना ही खर्चा करना है, री इन्वेस्ट करना शुरू करिए अपने ब्लॉग पे। वेब होस्टिंग, अच्छा वेब होस्टिंग लीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग के लिए जो है क्लाउड होस्टिंग यूज करता हूँ, लेकिन आपके ब्लॉग पे आगे आकर के ट्रैफिक जब आएगा तब जाके आप क्लाउड होस्टिंग लीजिएगा। शेयर्ड होस्टिंग से भी काम चल सकता है, लेकिन हाँ आपके पास पॉकेट मनी है अच्छा खासा खर्चा, तब स्टार्टिंग में वेब होस्टिंग के लिए जाइएगा। तो मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं यूज करूंगा, जो मैं टेस्ट करूंगा वही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसा दे दिया और बोला कि यार बताओ बताओ बताओ, तो नहीं, जिस समय जिस होस्टिंग पे मेरा ब्लॉग होस्टेड रहेगा मैं ऑनेस्टली आपको बताते रहूंगा टाइम टू टाइम। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो है दोस्तों CDN। CDN इस्तेमाल करना कभी मत भूलिएगा। CDN का फायदा क्या होता है कि आपका होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग पे अगर है भी, आप मतलब आप जो होस्टिंग है वो शेयर्ड होस्टिंग रखे हुए हैं, राइट, और आपका जो मतलब सर्वर है वो दूसरे कंट्री में है, विजिटर अपने इंडिया से है, तो ऐसे में CDN बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। तो CDN में Cloudflare इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरा है इमेज के लिए बनी CDN इस्तेमाल में करता हूँ। तो आप चाहे तो Cloudflare का ही प्रीमियम सर्विस ले लीजिएगा, मैं Cloudflare का फ्री वाला सर्विस इस्तेमाल करता हूँ, कुछ प्रीमियम फीचर हैं उसका भी अलग से पैसा देता हूँ, लेकिन बनी CDN मैं अपने इमेज के लिए करता हूँ, ताकि जो इमेज अलग जो है CDN से सर्व हो, और जो मेरा कॉन्टेंट है वो जो नॉर्मल CDN है उसके थ्रू लोड हो, तो दोनों अलग अलग से होगा, तो जिसके कारण से जो है वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ता है, मतलब कि एक ही सर्वर पे लोड, एक ही साइड ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में बहुत कमाल का चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके ब्लॉग पोस्ट जो लोड होता है, जो पेज लोड होता है, उसी के अनुसार ना परफॉर्मेंस स्कोर डिसाइड होता है। तो उसमें क्या क्या लोड होता है, जैसे कि जो आर्टिकल लिखे हैं वो लोड होता है, इसके बाद डिजाइन लेआउट डिजाइन होता है, और इसके डिजाइन में जावास्क्रिप्ट और CSS का इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि थीम, और दूसरा है कि अगर कोई फंक्शनैलिटी है तो प्लगइन्स, ये सब तो अच्छा करना ही करना। ब्लॉग पोस्ट में जो HTML होता है तो वो सब तो है ही, इसके बाद क्या होता है इस्तेमाल, ब्लॉग पोस्ट पे इमेज होता है और वीडियो होता है। तो वीडियो जनरली मैं जानता हूं कि लोग YouTube वाला वीडियो ही इम्बेड कर देते हैं, लेकिन इमेज जो होता है वो मैं इस्तेमाल करता हूं, तो वो उसके लिए CDN तो इस्तेमाल कर ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए इसके लिए मैं इमेज का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया हूं, और इमेज का वो फॉर्मेट जो गूगल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है वो फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि लोग जो है JPG PNG इस्तेमाल करते हैं, मैं WebP करता हूं। आपके पास भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, मतलब कि वीडियो देख रहे हैं तो ब्लॉगर ही होंगे, तो ऐसे में अभी के अभी जो भी फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं रोकिए, और अब के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा WebP फॉर्मेट वाला जो इमेज ही अपलोड करिएगा। बाय डिफॉल्ट अब जो है वर्डप्रेस सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, पहले नहीं करता था, कुछ फंक्शनलिटी कुछ फंक्शन ऐड करना पड़ता था, लेकिन अब तो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा है, तो आपको दिक्कत होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक, सबसे लास्ट पॉइंट पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कैशिंग प्लगइन्स। कैश प्लगइन्स जो है बहुत ज़्यादा वेबसाइट को मतलब फास्ट लाइटिंग फास्टिंग कर देता है। विश्वास ना हो आप क्या करिएगा, टेस्ट के लिए मैं बताता हूँ। देखिए, जब तक टेस्ट नहीं करिएगा, एक्सपीरियंस नहीं करिएगा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन देखने के बाद मेरा ब्लॉग है techage.com, उस पर जाइएगा, कैशिंग का अगर पावर देखना है तो, और जाने के बाद किसी भी एक पेज को, वेब पेज को जो है जो आर्टिकल जिसको कहते हैं उसको क्लिक करिएगा। पहली बार थोड़ा सा समय लेगा, और इसके बाद अगर मन हो तो पढ़िएगा, इसके बाद जो है मेरे होम पेज पे आकर फिर से अगर उसी
पोस्ट पे अगर आते हैं या दूसरे पोस्ट पे आते हैं या मेरे किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट के किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, तो पहला जो एक्सपीरियंस मिला था उससे बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं दुगुना या तीन गुना जो है स्पीड आपको देखने को मिलने लगेगा ऑफलाइन में विजिट कर रहे, क्लिक किया खुल गया, क्लिक किया खुल गया, बैक किया हो गया, मतलब इतना ज़्यादा होता है। तो ये सब कमाल कैशिंग प्लगइन्स का होता है। तो कैशिंग के लिए मैं जो है WP रॉकेट इस्तेमाल करता हूँ, और WP रॉकेट है कमाल का प्लगइन्स है, मतलब कमाल का प्लगइन्स है। मैं पहले बता देता हूँ ये प्रीमियम प्लगइन्स है, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, कहीं से मिल रहा है ले लीजिए, लेकिन ये जो है आपके इमेज को, आपके ब्लॉग पोस्ट को, आपके HTML का जितना कोड है उसको मिनीफाई कर देगा, CSS का जितना है सबको मिनीफाइड कर देगा। मिनीफाई क्या होता है, मतलब एक जगह कंबाइन कर देगा, मतलब कि लोड होने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटी होता है फास्ट करने के लिए सब के सब ऑप्शन आपको WP रॉकेट में मिल जाएगा, कैशिंग प्लगइन्स में मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे कैशिंग प्लगइन्स है, शुरुआत में अगर पैसा नहीं दे सकते WP रॉकेट के लिए तो दूसरा और भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी चीज़ मैंने बताया है वो सब के सब मैं अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, आपको भी समझ में आया कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और अगर इसमें और भी एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं तो बिंदास कमेंट में लिखिएगा जरूर।